इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के पॉश बजाज नगर इलाके में, और यह है राजीव जौहरी का घर, जहाँ पर पिछले कई दिनों से ताला लगा हुआ है। घर काफ़ी आलीशान है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई लोग ही नहीं है पिछले 10-12 दिनों से। इसका कारण है कि यहाँ पर रविंद्र सिंह नाम का एक शख्स पिछले 8 दिनों से बैठकर इसी तरह से धरना दे रहा है, अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। रविंद्र का आरोप है कि राजीव जौहरी उसे चेन्नई ले गए थे नौकरी का प्रलोभन देकर, और वहाँ जाकर उसकी किडनी निकाल ली। रविंद्र से बात करता हूँ। रविंद्र जी, क्या हुआ? जी सर जी, ये इन लोगों ने मुझे नौकरी का लालच देकर चेन्नई ले गए। चेन्नई में मुझे 2 महीने तक मेरे कुछ टेस्ट करवाए गए, मेडिकल करवाया गया, जो कि नौकरी का बहाना देकर। फिर सर जी मुझे 8-10 महीने तक सर जी वहाँ बिठा के रखा। टोटल इन लोगों ने मुझे 15 महीने तक वहाँ बिठा के रखा और सर जी मेरी किडनी निकाल ली। जबकि इन लोगों को मैंने काफ़ी बार मना किया, कुछ एग्रीमेंट सर इन लोगों ने करवाए थे मेरे से। मेरे को इन लोगों ने अंधेरे में रख के सर जी मेरे कई डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, मेरे मम्मी पापा के डॉक्यूमेंट्स मंगवाए और उन पर मेरे मतलब जाली हस्ताक्षर करवाए। इन लोगों ने मेरे साथ में सर जी बहुत गलत किया है, बहुत अन्याय हुआ है सर जी मेरे साथ में। किडनी निकाली आप बोल रहे हैं, कहाँ बताएंगे थोड़ा किडनी? ये देखिए, निशान भी है ऑपरेशन का, किडनी निकालते वक्त जो होता है। रविंद्र, लेकिन इतने दो आप बता रहे हो कि आपको 10-15 महीने तक भी वहाँ रखा गया था, कभी पता नहीं लगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे निकाल रहे हैं? उन्होंने मुझे 8 महीने तक तो पता नहीं चलने दिया, कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहे। 8-9 महीने के बाद में सर जी उनके छोटे भाई आके मुझे कहते हैं मुझे तुझे किडनी देनी पड़ेगी। मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि मुझे किडनी नहीं देनी है। फिर सर जी वो मुझे पैसे का लालच देने लग गए। मैंने कई बार वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो हर कैसे ना कैसे कहीं से पता चल के वो हमेशा मेरे को रेलवे स्टेशन से पकड़ के ले आते थे। मेरे को रूम में बंद कर दिया जाता था। मुझे मारने की, मेरे माता पिता को मारने की कई बार धमकियां दी गई। कुछ पैसे वैसे भी मिले किडनी निकालने से पहले या बाद में? नहीं सर जी, इन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। बस एक बार इन लोगों ने बजाज नगर थाने में मेरे साथ जो मतलब मेरे से राजीनामा करवाया था, तो मुझे इलाज के लिए 80,000 रुपये दिए थे बस। और अब क्या चाहते हैं, आप क्यों आके बैठे हैं आप यहाँ? सर जी मुझे न्याय चाहिए, ताकि मेरे जैसे कई बंदों के साथ में ये बहुत कुछ होता रहा है, तो मैं चाहता हूँ किसी के साथ में दोबारा नहीं हो, मुझे इनसे न्याय चाहिए। जब आपको नौकरी के लिए यहाँ से ले गए थे, पता नहीं क्या कौन है राजीव जौहरी, क्यों ले जा रहा है, क्या इसको मद्रास में ले जाके नौकरी क्यों दे रहा है? सर जी मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट राजीव जौहरी ने नहीं किया था। इनका एक कोलकाता का निवासी अनिमेश विश्वास नामक आदमी था, उसने मुझे चेन्नई में बुलाया था नौकरी के लिए, फिर उसी ने मुझे इन लोगों से मिलवाया था। तो ये है रविंद्र सिंह, जिनका ये कहना है कि अब उन्हें इंसाफ चाहिए, क्योंकि उनकी किडनी निकाल ली गई है। एक नौकरी दिलाने के नाम पर उन्हें यहाँ से सीधे मद्रास तक ले जाया गया, मारा पीटा गया था। अब बजाज नगर थाने में इनकी FIR भी हो गई है। यही देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इस मामले की तह तक जाती है, क्या राजीव जौहरी को भी पूछताछ के लिए इस पूरे मसले पर एक बार फिर से थाने बुलाया जाता है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।